नमस्कार, एमपी न्यूज़ कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी पहुँचे दिग्विजय सिंह का बयान। कर्नाटक के चुनाव में भाजपा का प्लान बी फेल हुआ और भारी बहुमत से कांग्रेस ने जीत हासिल की। दिग्विजय सिंह ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां निकली वहां वहां कांग्रेस को सफलता मिली है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नफरत पैदा करने की राजनीति करती है बीजेपी। जो कांग्रेस छोड़ चुके थे और अब चुनाव के पहले जो लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उन्हें तो टिकट देना ही नहीं चाहिए। डिसाइसिव एक निर्णय दिया, निर्णायक निर्णय दिया, जिसमें कि जो ऑपरेशन प्लान बी था भाजपा का, वो फेल हो गया। अगर बराबर की स्थिति होती तो प्लान बी उनका था, पकड़ धकड़ पैसा ढेला, वो मतदाता भाई और बहनों ने इतना निर्णायक फैसला किया, उसकी अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची। आधे पे रह गई है भाजपा, हमें उनसे दुगनी से ज्यादा सीटें मिली हैं। कर्नाटक के इसके लिए कर्नाटक के मतदाता भाई और बहनों को सबसे पहले बधाई और धन्यवाद। फिर हमारे कांग्रेस के लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई, उनकी मेहनत रंग लाई। हमारे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं डीसीसी प्रेसिडेंट साहब को और सीएल लीडर साहब को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी को, सोनिया जी जो अस्वस्थता के बाद भी वहाँ प्रचार करने गई, राहुल जी और प्रियंका जी ने दसों वहाँ मीटिंग करी, रैलीज की, रोड शोज किए और पूरा माहौल ही बदल दिया। ये भी एक है कि जितनी जगह जितने जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकली वहाँ कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली है। बेलारी जिले में यहाँ की गढ़ हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, चिकमंगलूर जो गढ़ हुआ करता था वहाँ से भाजपा पुलिस साथ हो गई, तो बहुत कुछ श्रेय भारत जोड़ो यात्रा भी को भी जाता है। और वहाँ के लोगों ने बड़े एक निर्णायक तरीके से जो नफरत की राजनीति भाजपा करती है, हिंसा की राजनीति भाजपा करती है, उसको उन्होंने अच्छी करारी मात दी है। कर्नाटक के नतीजों का मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव होगा? पहले हमें उम्मीद थी कि हम 126 से 130 सीटें जीतेंगे, अब लगता है कि 140 से 150 सीटें कांग्रेस जीतेगी। निकट भविष्य में नारायण त्रिपाठी अपनी खुद की पार्टी बनाना चाह रहे हैं विंध्य प्रदेश के नाम से, क्या कांग्रेस का उनसे गठबंधन होगा? बात यह है कि पहली बात तो उन्होंने खुद ने कह दिया कि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, नारायण त्रिपाठी जी।